हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आज का जो हमारा क्वेश्चन है हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कहा था कि सर ये भी एक क्वेश्चन आप कर दीजिए जहां पर आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने ड्रॉ अ फिक्चर ऑफ ट्वेंटी सिक्स टीम इन विच फोर टीम्स आर टू बी कैप्ड इन स्पेशल सीडिंग बच्चों को स्पेशल सीडिंग को लेकर और सीडिंग को लेकर बहुत डाउट रहता है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्पेशल सीडिंग और सीडिंग के अंतर के बारे में मतलब स्पेशल सीडिंग वर्सेस सीडिंग तो इसमें आप आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं और पूरे वीडियो को आराम से देखकर समझ सकते हैं ठीक है तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा और इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स इसमें दूर हो जाए सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स जिसे हम एन कहते हैं इसके बाद हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस जिसका की फॉर्मूला होता है एन माइनस वन तो ये आपका हाँ हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मैचेस अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यहां पर हमें लिखना है नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ इज इक्वल टू फॉर्मूला यहां पर ध्यान रखिए क्योंकि आपकी टीम इवन है इसलिए आपका फॉर्मूला लगा है एन अपॉन अगर यहाँ पे टीमों की संख्या ऑड होती तो आपका अपर हाफ के लिए फॉर्मूला लगता एन प्लस वन अपॉन टू और लोअर हाफ के लिए लगता एन वन अपॉन तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्वेंटी सिक्स अपॉन टू कट करने पे आपका निकलता है थर्टीन टीम्स ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पे लोअर हाफ के लिए भी लिखना है सेम फॉर्मूला हो जाएगा एन अपॉन टू इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स अपॉन टू कट करने पर थर्टीन टीम्स अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है स्पेशल सीडिंग केसेस में हम यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स After four फोर स्पेशल तो यहां पर आपका हो जाता है जो आपकी चार टीमें हैं जिनको स्पेशल सीडिंग देनी है वो आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम से माइनस कर दी जाती हैं, ठीक है ठीके? तो आपकी निकल के आती है 22 टीम्स अब इसके बाद आपको जो बाइस निकालनी है स्पेशल सीडिंग निकालने के बाद बची हुई टीमों में से आपको बाइज निकालनी होती है तो यहां पे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ बाइज इज इक्वल टू आप सभी जानते होंगे नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ टू माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम तो यहां पर आपका हो जाएगा टू की हाइएस्ट पावर क्या होगी टू की पावर अगर टू होती है तो वैल्यू होती है फोर टू की पावर थ्री होती है तो वैल्यू होती है एट टू की पावर अगर हम फोर करते हैं तो होती है सिक्सटीन सिक्सटीन हमारी ट्वेंटी टू टीम से कम है तो उसके बाद हम करेंगे टू की पावर फाइव तो फाइव करने पे होता है थर्टी टू तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे ज़्यादा और पास में तो हमारे पास ट्वेंटी टू से ज़्यादा और पास में क्या है थर्टी टू माइनस ट्वेंटी टू तो यहाँ पर हमारी टेन बाइज निकल कर आ जाएंगी तो हमें ये पता चल गया कि जो हम फिक्सचर तैयार करने वाले हैं उसमें हमें बाइज देनी है अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ तो यहां पर आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पे एनबी एनबी का होता है नंबर ऑफ बाइज अगर यहाँ पे 22 की संख्या ऑड होती है तो एन बी माइनस वन अपॉन टू होता है और लोअर हाफ के लिए होता है आपका एन बी प्लस वन अपॉन टू तो यहां पर हमारी जो संख्या है वो इवन है तो यहां पर हो जाएगा हमारा एन बी अपॉन टू सो टेन अपॉन टू कट करने पे निकल के आता है फाइव बाईस ठीक इसी तरीके से हम लिखेंगे नंबर ऑफ बाइस एन लोअर हाफ एन बी अपॉइन टू इज इक्वल टू टेन अपॉन टू कट के फाइव बाइस तो यहां पर हमें पता चल गया अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में आपकी पांच पांच बाइस दी जाएंगी ठीक है अब इसके बाद आता है राउंड्स का नंबर तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू टू की पावर क्या थी फाइव थी तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू एक दो तीन चार पाँच तो यहां पे टू की पावर जो फाइव है ये आपकी राउंड्स की संख्या हो जाती है अब यहां पर ध्यान रखना है क्योंकि ये स्पेशल सीडिंग का केस है तो यहां पर एक लाइन हम एक्स्ट्रा लिखेंगे और वो क्या लिखेंगे हम अब तो ध्यान दीजिएगा बट इन स्पेशल सीडिंग केस राउंड बिकम वन प्लस सो राउंड कितने हो जाएंगे आपके सिक्स तो आपको पता चल गया कि आपकी टीमों के जो मैचेस होंगे वो सिक्स राउंड में होंगे स्पेशल शेडिंग केस में ही ऐसा होता है बस अब इसके बाद हम लिखेंगे टीम्स इन ईच क्वार्टर्स तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर इसको आप क्यू 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 कर लेंगे यहां पर आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है है कि आपको टोटल नंबर ऑफ टीम को चार बराबर हिस्सों में बांटना होता है तो यहां पर जो हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं कितनी हैं ट्वेंटी सिक्स है तो ट्वेंटी सिक्स से हम ट्वेंटी फाइव को चार हिस्सों में नहीं बटा सकते न ही ट्वेंटी सिक्स को कर सकते हैं ट्वेंटी फोर को कर सकते हैं तो यहाँ पे हम सिक्स सिक्स रखेंगे तो हम इस तरीके से कर लेते हैं इसे तो हमने क्वार्टर्स में छे -छे टीमें डिवाइड कर ली तो इस तरीके से 24 टीमें हो जाती हैं तो अब बचती हैं दो टीमें तो जो आपकी ट्वेंटी फिफ्थ टीम होगी वो होगी आपके राउंड वन में उसके बाद जो आपकी ट्वेंटी सिक्स टीम होगी वो राउंड आएगी थर्ड में ये हमेशा ध्यान रखिएगा बैलेंस हमेशा बना के चलते हैं फिक्चर में इसलिए इस तरीके से टीम्स को डाला जाता है तो अब यहाँ पर जो आपका प्लस वन यहाँ हो जाएगा और प्लस वन आपका यहाँ हो जाएगा तो टोटल नंबर्स ऑफ टीम इन ईच क्वार्टर यहाँ पर आपको पता चल जाएगी तो आपके फर्स्ट क्वार्टर में सात सेकेंड क्वार्टर में हो जाएगी आपकी छः थर्ड में हो जाएगी सात और फोर्थ में हो जाएगी आपकी छः यहां पे आप टीम्स जरूर लिखें अब इसके बाद नंबर आता है आपका बाईस का यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ बाईस इन Each quarter, first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. तो बच्चों यहाँ पर आपको जो बाइस डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है आप अगर पैटर्न को फॉलो करके करते हैं तब भी ठीक होता है लेकिन आपके फर्स्ट क्वार्टर में कितनी बाई आएगी सेकेंड क्वार्टर में कितनी बाई आएगी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर को अपर हाफ और लोअर हाफ की तरह देखेंगे तो आपको फार्मूला मिलेगा एन बी माइनस वन अपॉन टू फर्स्ट क्वार्टर के लिए और सेकेंड क्वार्टर को लोअर हाफ की तरह ट्रीट करेंगे तो एन बी प्लस वन अपॉन टू अब ये कब होता है जब आपकी बाईस की संख्या ऑड में होती है इवेन में होती है तो एन भी अपॉन टू हो जाता है आपका ठीक है तो यहां पर हम लिख लेंगे टू यहां पे आ जाएगा थ्री यहां पे आ जाएगा आपका टू और यहां पे आ जाएगा आपका थ्री इस तरीके से आपकी बाईस डिस्ट्रीब्यूट होगी तो आपकी ये पांच बाई हो गई और यहां पर आपकी पांच बाई हो गई ये अपर हाफ में हो गई और ये लोअर हाफ में हो गई अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको फिक्सर तैयार करना होता है अब फिक्सर तैयार करने के लिए हम यहां पर इस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले आप यहां लिखेंगे टीम्स, फिर राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड फोर राउंड फाइव एंड राउंड सिक्स अब यहाँ पर हम लिख लेंगे टीमों की संख्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स अब हमें ये पता है कि अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी टीमें हैं तेरह टीमें हैं तो यहां पर हम अपने लिए एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे अपर हाफ और यहां लिख देंगे हम लोअर हाफ अब आपकी फर्स्ट क्वार्टर में कितनी टीमें थी सात टीमें थी तो यहां पर हमारी हो जाएंगी यहां, पे कट लगा यहां, लिख देंगे यहां लिख देंगे तो यहां लिख देंगे हम थर्ड क्वार्टर यहां लिख देंगे हम फोर्थ क्वार्टर अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि ये स्पेशल सीडिंग का केस है तो हमें बाय के पैटर्न पर ही अपनी स्पेशल सीडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो इस तरीके से हम अपर हाफ और लोअर हाफ की तरीके से स्पेशल सीडिंग सबसे पहले स्पेशल सीडिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है इस बात का हमेशा ध्यान रखना तो सबसे पहली जो हमारी स्पेशल सीडिंग जाएगी वो जाएगी टीम ट्वेंटी सिक्स को यहां पे आप लिख देंगे फर्स्ट स्पेशल सीडिंग इसके बाद आपकी जो अगली बाई जाएगी वो जाएगी टीम नंबर वन को सेकेंड स्पेशल सीडिंग इसके बाद आपकी जाएगी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को थर्ड पेशल सीडिंग इसके बाद आपकी जाएगी अपर हाफ की लास्ट टीम को तो सबसे पहले हमने स्पेशल सीडिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी है अब इसके बाद हमारे पास टीम कितनी बचती है हमारे पास टीम बचती है 22 अब 22 टीम्स में हमें कितनी बाइस देनी है हमें देनी है टोटल नंबर ऑफ 10 ठीक है अब अपर हाफ में मतलब अपर हाफ में हमें टीमों में कितनी बाइज देनी है पांच देनी है पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहां पर पांच के लिए हमारी जो फर्स्ट बाइज जाएगी वो जाएगी टीम ट्वेल्व को उसके बाद जाएगी हमारी टीम सेकेंड को उसके बाद लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को और उसके बाद अपर हाफ की लास्ट टीम को और एक बाई बचेगी वो आएगी इलेवन टीम को आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपर हाफ और लोअर हाफ के पैटर्न को ही फॉलो करते हुए फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर को बाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है क्योंकि हमें पता है अपर हाफ में हमें टोटल नंबर ऑफ बाइज फाइव देनी थी ठीक है तो हमने वही पैटर्न फॉलो किया है ठीक इसी तरीके से आप लोअर हाफ में भी आ जाएंगे तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वार्टर को भी आप अपर हाफ और लोअर हाफ की तरह ट्रीट करेंगे और बाइस डाल देंगे यहाँ पर भी हमें बाइस देनी है ठीक है एक बाई ये हो गई यहाँ पर हमने एस लगा दिए हैं तो यहां पर हमारी ये फर्स्ट हो गई उसके बाद हमारी जाएगी थर्ड क्वार्टर की फर्स्ट टीम को उसके बाद फोर्थ क्वार्टर की फर्स्ट टीम को इसके बाद आएगी हमारी थर्ड क्वार्टर की लास्ट टीम को उसके बाद आएगी हमारी फोर्थ क्वार्टर की थर्ड लास्ट क्योंकि एक को स्पेशल जेडिंग मिल गई है तो इस तरीके से हमने अपने फिक्सर में बाइस भी दे दी है अब इसके बाद हमें कराने हैं मैचेस मैचेस का बड़े हिसाब से ध्यान रखिएगा बहुत सावधानी से बनाइएगा फिक्सर क्योंकि गलती होती है फर्स्ट राउंड में आपका थर्ड टीम का मैच होगा फोर्थ के साथ फिफ्थ का होगा सिक्स के साथ नाइन का होगा टेन के साथ ठीक इसी तरीके से आपका होगा सिक्सटीन का सेवनटीन के साथ एटीन का होगा नाइनटीन के साथ और ट्वेंटी टू का होगा आपका मैच ट्वेंटी थ्री के साथ ये फर्स्ट राउंड के मैचेस हैं आप इस बात का ध्यान रखना मैच नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ सर्कल के अंदर ये मैच नंबर है और इनमें से जो विनिंग टीम होगी मैं इस तरीके से बाहर की तरफ लिखूंगा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे थर्ड जो टीम थी वो विन कर गई और यहाँ पर आपकी फिफ्थ टीम विन कर गई यहाँ पर आपकी नाइन ने विन कर लिया ठीक इसी तरीके से यहाँ पे सिक्सटीन ने विन कर लिया और यहाँ पर एटीन ने विन कर लिया और यहाँ पर आपकी ट्वेंटी टू ने विन कर लिया अब आपको जैसा कि पता है कि जो बाईस वाली टीम होती है वो सेकेंड राउंड में खेलती है फर्स्ट राउंड के मैचेस हो चुके हैं तकरीबन छह मैच हुए हैं फर्स्ट राउंड में अब इसके बाद आते हैं बाईस वाली टीमों के मैचेस तो आपका जो सेकेंड टीम है जिसको बाई मिली है वो सेकेंड राउंड में खेलेगी टीम थर्ड के साथ जो विन करके आई है तो इनमें से जो मैच होगा तो यहां पर आपको सेकेंड टीम विन कर जाएगी ठीक इसी तरीके से आपका जो फिफ्थ टीम जीतकर आई थी वो सेकेंड राउंड में खेलेगी सेवन टीम के साथ ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इन टीमों का मैच होगा उसके बाद आपका जो अगला मैच होगा वो इलेवन का ट्वेल्व के साथ होगा सेकेंड राउंड में इसके बाद टीम फिफ्टीन का मैच होगा सिक्सटीन के साथ एटीन का मैच होगा ट्वेंटी के साथ ट्वेंटी वन का मैच होगा ट्वेंटी टू के साथ और ट्वेंटी फोर का मैच होगा ट्वेंटी फाइव के साथ तो ये सेकेंड राउंड के मैचेस हैं कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं करना है इसके बाद आपका आएगा सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन यहाँ पे सेकेंड राउंड में आपके टोटल नंबर ऑफ मैचेस फोर्टीन हो चुके हैं अब इसके बाद जो आपका मैचेस होंगे आप किस किस में मैच होंगे आपका मैच होगा टीम यहाँ पे विनर निकाल देते हैं यहाँ पर आपका सेवन ने विन कर लिया यहाँ पर आपका एट ने विन कर लिया यहाँ पर आपका एलेवन ने विन कर लिया और इसके बाद यहाँ पर आपका सिक्सटीन ने विन कर लिया यहाँ पर आपका मैच एटीन ने विन कर लिया यहाँ पे आपका मैच ट्वेंटी वन ने विन कर लिया और यहाँ पर आपका मैच ट्वेंटी फोर ने विन कर लिया तो हमें सेकेंड राउंड के सभी विनर्स मिल चुके हैं अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सेकेंड राउंड भी हो गया अब थर्ड राउंड में जो मैचेस होंगे वो आपके होंगे सेकेंड टीम का मैच होगा थर्ड राउंड में सेवन के साथ और उसके बाद होगा आपका एट का मैच होगा एलेवन के साथ ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका सिक्सटीन का होगा एटीन के साथ और ट्वेंटी वन का होगा ट्वेंटी फोर के साथ यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो स्पेशल सीडिंग वाली जो टीमें हैं वो आपकी सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलती हैं तो अभी क्वार्टर बना नहीं है अभी क्वार्टर बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पे सेकंड और सेवन टीम का मैच हुआ तो यहाँ पे सेकंड टीम जीत गई और यहाँ पर भी एट और इलेवन का मैच हुआ तो यहाँ पर एट ने विन कर लिया यहाँ पर आपके सिक्सटीन और एटीन का मैच हुआ तो यहाँ पे सिक्सटीन ने विन कर लिया और यहाँ पे ट्वेंटी वन और ट्वेंटी फोर का मैच हुआ तो यहाँ पर आपका ट्वेंटी फोर ने विन कर लिया तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल गए हैं आपके विजेता थर्ड राउंड के अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है अब आपके क्वार्टर फाइनल के मैचेस होंगे तो आपकी जो स्पेशल सीडिंग वाली जो टीम थी जो फर्स्ट टीम थी उसका मैच होगा आपका टीम सेकेंड के साथ तो यहाँ पर आपको विजेता मिलेगा यहाँ पर आपकी वन टीम ने विन कर लिया अब यहाँ पे आपका जो एट टीम विन करके आई है इसका मैच होगा स्पेशल शीडिंग के साथ जो तेरह नंबर की टीम है तो यहाँ पर थर्टीन ने विन कर लिया अब यहाँ पे कोई भी टीम जीत सकती है क्योंकि स्पेशल सीडिंग उन्हीं टीमों को दी जाती है जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है पूरे टूर्नामेंट में तो यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में यहाँ पे जो 14 टीम है उसका मैच होगा आपका किसके साथ 16 के साथ तो यहाँ पे जो विन कर जाएगी यहाँ पे आपकी सिक्सटीन विन कर जाएगी कई बार क्या होता है जो टीम खेल कर आती है वो भी विन कर जाती है ऐसा नहीं है स्पेशल सीडिंग वाली ही जीत जाए ठीक है उसके बाद आपका ट्वेंटी टीम का मैच होगा ट्वेंटी के साथ और यहाँ पर आपको जो विनर मिलेगा यहाँ पर मिल जाएगा आपको ट्वेंटी तो इस तरीके से यहां पे फिक्सर तैयार हो गया अब इसके बाद आता है आपके यहां पे टीम नंबर वन का मैच होगा आपका थर्टीन के साथ और इसी तरीके से आपका होगा सिक्सटीन का मैच ट्वेंटी फोर के साथ यहां पे हम मैच नंबर भी साथ में डाल देते हैं फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन इसके बाद नाइनटीन मैच नंबर है ट्वेंटी 21, 22, 23, 24. अब इसके बाद जो फाइनल मैच होगा वो आपका होगा यहाँ पे जो टीमें विजेता होकर आई होंगी तो यहाँ पे आपका वन का मैच हुआ थर्टीन के साथ यहाँ पर आपका वन ने विन कर लिया है और उसके बाद आपके फिफ्थ राउंड में जो मैच हो रहा है सिक्सटीन का और ट्वेंटी फोर के साथ तो यहां पर आपका सिक्सटीन ने विन कर लिया है तो अब जो फाइनल राउंड है राउंड नंबर सिक्स तो इसमें हमारा टीम वन का मैच होगा टीम सिक्सटीन के साथ तो यहाँ पर जो मैच होगा ये मैच नंबर है ट्वेंटी फाइव तो टोटल नंबर थी हमारी टीम ट्वेंटी सिक्स तो मैच नंबर हमारा करेक्ट निकल के आ गया हमारा फिक्चर एकदम करेक्ट चल रहा है और यहाँ पे वन और सिक्सटीन का मैच होगा तो यहाँ पर हमारी जो टीम वन है वो विन कर जाएगी तो हमें हमारा विनर मिल चुका है तो उम्मीद है दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमारी आईडी है प्रबल ट्रपल वन फोर और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें और हम आपकी जो संभव सहायता होगी वो करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद बच्चों ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों के जो एग्जामिनेशन है बहुत जबरदस्त हो जाए तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत